दोस्तों रुस्लान नाम की एक मूवी आने वाली है बॉलीवुड में और मैंने इसका टीजर देख लिया। आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात की आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही होगी, प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो एक हीरो का डार्क साइड दिखाया गया है, उसका बचपन का, वो स्कूल में रहता है, उसको मारते पीटते हैं उसके साथ के स्टूडेंट, और मतलब हीरो का डार्क साइड एक दिखाया गया है उसके बचपन का। और फिर वो बड़ा होता है, उसके हाथ में माइक और गिटार रहता है, यानी कि वो सिंगर होता है, और वो फिर कैसे एक गैंगस्टर बन जाता है, यही मूवी का मेन पॉइंट है और इसी पर कहानी आगे बढ़ेगी। और गाइज अगेन आयुष शर्मा इस मूवी के लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि अंतिम मूवी में नजर आए थे सलमान खान के ऑपोजिट। वो मूवी कुछ खास चली नहीं थी, लेकिन हाँ इस बंदे का लुक बहुत अच्छा है, बॉडी अच्छा है, एक्टिंग अच्छा करता है। अच्छा बात नहीं है। और गाइस विजय पति बाबू भी इस मूवी में नजर आने वाले हैं, और डायरेक्टर के थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये मूवी कुछ हटके होने वाली है, इमोशनल थ्रिलर एक्शन टाइप में मूवी होने वाली है। और मुझे लगता है कि कुछ वैसी ही मूवी होने वाली है, क्योंकि जो बचपन की स्टोरी है वहां से पब्लिक कनेक्ट कर पाएंगे। आप एनिमल में भी देखे होंगे, सल्लार में भी देखे होंगे, आप देखे होंगे जो KGF आई थी रॉकिंग स्टार यास की, उसमें भी देखे होंगे बचपन की कहानी। इन सभी मूवी में दिखाया गया है जहाँ से पब्लिक कनेक्ट करते हैं इमोशनल के साथ। तो वैसा टाइप कुछ मूवी होने वाला है, या फिर मैं ये नहीं चाहूँगा कि बॉलीवुड की जो वह मूवी आती है घिसी पिटी वो मूवी हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है और कुछ नया होना ही चाहिए। सो गाइस मैं एक्साइटेड हूँ इसके ट्रेलर के आने का और फिर इसके मूवी को आने का, क्योंकि ये अप्रैल को ही आने वाली है। और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको ये टीजर कैसा लगा अगर आपने टीजर इसका देखा है तो। दोस्तों फिलहाल बाकी बात हम करेंगे टीजर आने के बाद, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसे अच्छे नए वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।